हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मिलती है फुल्ली एक्सेसिबल टॉक बैक के साथ टेक्नोलॉजी जॉब अलर्ट से संबंधित नई नई अपडेट्स। इन नई अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करके कीजिए ऑल पे सेट, ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो की सबसे पहले अपडेट। तो कंटिन्यू वॉचिंग इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इंफॉर्मेशन डेस्क फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 अध्याय 9 के विषय में। दिव्यांगजनों के लिए संस्थाओं और रजिस्ट्रीकरण और ऐसे संस्थाओं को अनुदान। राज्य सरकार ऐसे प्राधिकारी को नियुक्ति करेगी जो वह इस अध्याय के प्रायोजना के लिए सक्षम प्राधिकारी होने के लिए ठीक समझे। इस अधिनियम के अधीन ऐसा अनन्यता उपबंधित है, उसके सिवाय कोई भी व्यक्ति दिव्यांगजनों के लिए किसी संस्था की स्थापना या उसका अनुरक्षण इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अनुसार ही करेगा, अन्यथा नहीं। परंतु मानसिक रूप से युगण व्यक्तियों की देखरेख के लिए कोई संस्था जो मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा 8 या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन विधि मान्य अनुज्ञप्ति धारित करती है, उसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। उपधारा 1 के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर सक्षम प्राधिकारी ऐसी जांच करेगा जो वह ठीक समझे, और यह समाधान जुटाने पर ही आवेदक ने इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है व आवेदन की प्राप्ति के 90 दिन की अवधि के भीतर आवेदक को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र मंजूर करेगा, और यदि उसका समाधान नहीं होता है तो सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा आवेदन किए गए प्रमाण पत्र को मंजूर करने के इनकार कर देगा परंतु सक्षम प्राधिकारी प्रमाण पत्र मंजूर करने से इनकार करने वाला कोई आदेश करने से पूर्व आवेदक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगा, और प्रमाण पत्र मंजूर करने से इनकारी का प्रत्येक आदेश आवेदक को लिखित से संसूचित करेगा। उपधारा 2 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा तब तक संस्था जिसके बारे में आवेदन किया गया है ऐसी सुविधाएं प्रदान करने और ऐसे मानक जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए को पूरा करने की स्थिति में ना हो। उपधारा 2 के अधीन मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जब तक धारा 52 के अधीन प्रतिसहत नहीं होता, ऐसी अवधि के लिए जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए प्रवृत्त बना रहेगा, वैसी ही अवधि के लिए समय समय पर नवीकृत किया जा सकेगा और ऐसे प्रारूप में होगा और ऐसी शर्तों के अधिनियम होगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए कोई आवेदन विधि मान्यता की अवधि के संपत्ति के कम से कम 60 दिन पूर्व किया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति संस्था द्वारा सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी। उपधारा 1 या उपधारा 5 के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन का निपटारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। सक्षम प्राधिकारी यदि उसका विश्वास करने या यह कारण है कि धारा 51 की उपधारा 2 के अधीन मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के धारक ने
प्रमाण पत्र के जारी करने या नवीकरण के लिए किसी आवेदन के संबंध में ऐसी कथन की जाए जो गलत है या तात्विक विशिष्टों में मिथ्या है, और नियमों या किन्हीं ऐसी शर्तों को भंग किया गया है जो भंग करवाया है जिनके अधीन प्रमाण पत्र मंजूर किया गया था, वह ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समझे आदेश द्वारा प्रमाण पत्र को प्रतिसहत कर सकेगा, परंतु ऐसी कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रमाण पत्र के धारक को इस बात का कारण बताने का अवसर ना प्रदान कर दिया हो कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रतिसहत क्यों ना कर दिया जाए। जहां किसी संस्था के संबंध में उपधारा एक के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का प्रतिसंग्रहण किया गया हो, वहां ऐसी संस्था ऐसे प्रतिसहरण की तारीख से कार्य करना बंद कर देगी, परंतु जहां प्रतिसहरण आदेश के विरुद्ध धारा 53 के अधीन कोई अपील होती है, वहां ऐसा संस्था निम्नलिखित दशाओं में कार्य करना बंद कर देगी। जहां ऐसी अपील फाइल करने के लिए विहित अवधि के अवसान पर तुरंत अपील नहीं की गई है, या जहां ऐसी कोई अपील की गई है किंतु अपील के आदेश की तारीख से प्रतिसहर आदेश को मान्य ठहराया गया है, किसी संस्था के बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के प्रतिसहरण पर सक्षम प्राधिकारी निर्देश दे सकेगा कि कोई दिव्यांगजन जो ऐसे प्रतिसहरण की तारीख को ऐसी संस्था में अनंतवासी है, यथास्थिति उसे उसके माता पिता पति या पत्नी का विविध संरक्षक की अभिरक्षा के प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिदृष्टि किसी अन्य संस्था के संस्थानांतरित कर दी जाएगी। प्रत्येक संस्था जो रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र धारण करता है जिसका धारा इस धारा के अधीन प्रतिसहरण कर लिया गया है, ऐसे प्रतिसहरण के तुरंत पश्चात ऐसे प्रमाण पत्र को सक्षम प्राधिकारी को अभ्यपृत कर देगी। प्रमाण पत्र प्रदान करने से इनकार करने या प्रमाण पत्र का प्रतिसहरण करने के सक्षम प्राधिकारी के आदेश के व्यक्ति व्यथित व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा यथाविहित अवधि के भीतर ऐसे आदेश के विरुद्ध ऐसी अपील प्राधिकारी को जो राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाए अपील कर सकेगा। ऐसी अपील पर अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा। इस अध्याय के अंतर्दृष्टि कोई बात केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए स्थापित या अनुरक्षित किसी संस्था को लागू नहीं होगी। समुचित सरकार उसकी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर रजिस्ट्रीकृत संस्थाओं को सेवा प्रदान करने के लिए और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में स्कीमों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगी। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।